हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। पीडियाट्रिक नर्सिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करें, दिस अ ब्लड डिसऑर्डर नर्सेट 2021 और ESIC स्पेशल पीडियाट्रिक क्लासेस कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए चल रही बच्चों, और इस क्लासेस को हमने सिस्टमेटिकली यूनिट वाइज बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ का आपको साथ डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि नीडफुल जरूरतमंद उन बच्चों को ये क्लास का बेनिफिट जरूर मिले जो किसी कारणवश JNC तक नहीं पहुंच पा रहे हो, फीस भरने में असमर्थ हो, फैमिली इश्यूज की वजह से क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपका अपना JNC सदा सदैव आप लोगों के लिए निरंतर ईमानदारी के साथ कोशिश करना जारी रहेगा। तो फटाफट लिंक को शेयर करें। हनुमान सैनी, सुरेंद्र, पूर्णिमा, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद फारूक, RK सैनी, ज्योति पटेल, सुनील, अनीता, विजेश, अनामिका, प्रियंका, ज्योति चंडेल, के कौर, सुनित्रो, डॉक्टर गरिमा, दीपक यादव, अर्पिता यादव, आप सभी का एक बार फिर से JNC परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट लिंक को ज्यादा से ज्यादा उन नीडफुल लोगों तक शेयर करो बच्चों, जो रियल में इस इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास का बेनिफिट लगातार लेते रहे। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बच्चों, हमेशा याद रखें आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं। हमेशा याद रखें आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं और आप भी अपनी पहचान बिगाड़ सकते हैं। क्या शानदार बात आप लोगों के लिए, हमेशा जिंदगी में याद रखना आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं, आप ही अपनी पहचान बिगाड़ सकते हैं। दोनों कंडीशन आपके हाथ में। यदि आप में रियल में कुछ अच्छा करना, एक नई पहचान बनानी है, और जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश को हमेशा परमानेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप ही कर सकते हो। और यदि आपने मेहनत नहीं की बच्चों, तो आप ही अपनी पहचान बिगाड़ सकते हो। एक बात कह देता हूं आप लोगों को, ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, मनुष्य जीवन, ये जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन मिलना आसान है, बट इस मनुष्य जीवन को सक्सेसफुली पूरा करना सबसे बड़ी टास्क होती है। जब पैदा होता तो हर किसी का सपना होता कि मैं कुछ नया करूंगा, मैं उस जैसा बनूंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ऊंची उड़ान भरना चाहता हूं। वक्त और परिस्थितियों के साथ वो उड़ान भरने की ख्वाहिश वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। उड़ान भरने की ख्वाहिश को कभी पूरा होने लोग पूरा नहीं होने देते, पड़ोसी पूरा नहीं होने देते, अपने वो नियरेस्ट और डियरेस्ट पूरा होने नहीं देते। बट याद रखना, यू आर द ओनली पर्सन यू कैन चेंज योर लाइफ, यू आर द ओनली पर्सन यू कैन मेक योर लाइफ, यू आर द ओनली पर्सन टू मेक योर ड्रीम, यू आर द ओनली पर्सन टू रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, नोबडी कैन कम। आप ही वो पर्सन है जो अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। आप ही वो पर्सन है जो अपना सपना पूरा कर सकते हो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अपनी नजर उस गोल पे होना चाहिए जो सपना आपने और आपके परिवार ने देखा है। और जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लगातार क्लास को वॉच कर रहे हैं, आपका सपना पूरा करना मेरा सपना है, आपका सपना पूरा करना मेरा सपना, आपके JNC का सपना है। मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं कोशिश करता हूं बच्चों। और आप भी इतने सिंसियर हो कि लगातार 7:30 होती है आप क्लास के लिए आते हो अपने कीमती टाइम में से 1 आवर निकालने। तो ये जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है बिटवीन यू एंड योर फैमिली, JNC फैमिली, दैट इज मेक बेटर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आई होप आने वाला नॉर्सेट 2021 ESIC रिम्स रांची, GMCA चंडीगढ़, PGIMER, जो कमिंग बहुत सारे बंच ऑफ एग्जाम्स और वैकेंसी आ रही है, सफल होना है, और उसके सफल के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो भरोसा बनाए रखिएगा, आपका JNC सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, और आज हम ब्लड डिसऑर्डर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ेंगे, जहां पर
काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ नया करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ बेसिक होगा, कुछ रैशनल वाले क्वेश्चन होगा। तो मेरी कोशिश आज की स्टार्ट हो रही है बच्चों, और आप अपना ख्याल रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैंने कल आपको गुड न्यूज दी थी, उस गुड न्यूज को एक बार फिर रिमाइंड करता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ बच्चों। मैंने कल कहा था कि जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो एक फीस डिस्काउंट के रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने उनके लिए ऑफर जनरेट किया बच्चों। नॉर्सेट एम्स 2021 ESIC स्पेशल हैप्पी होली ऑफर, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है। याद रखना, ये ऑनलाइन कोर्स है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्लास होगा। और इसकी सबसे खास बात है, इस कोर्स में जो ऑफलाइन में पढ़ाते हो, सब कुछ ऑनलाइन में दे रहे हैं। और इस कोर्स में नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड बच्चों, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इमेज, वीडियो, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, वो सब कुछ दिया है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे को चाहिए। तो बस वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देर किस बात की, इस ऑफर का बेनिफिट उठाए। और ये लिमिटेड टाइम तक बच्चों, और इस ऑफर को ओनली 22 से 24 मार्च तक रखा हुआ है। और इस ऑफर से आप अपने आप को इस JNC परिवार से जोड़ के अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और इसमें सबसे खास बात, मैंने ऑलरेडी आपको बताई, फिर से कह रहा हूं कि ये रिकॉर्डेड क्लास होगा, जितनी भी बार जब आपका मन करे 10 घंटे भी एक दिन में पढ़ सकते हो। और जैसे आप कोर्स को परचेज करें, प्ले स्टोर पर जाना होगा, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, मेल ID के साथ लॉग इन करना होगा, और लॉग इन करने के बाद कंप्लीट कोर्स को सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना, लॉग आउट करके बाहर आ सकते हो। ओके फाइन, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ आप लोगों के लिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज न्यूबॉर्न ब्लड वॉल्यूम। और मैं बता देता हूं बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कितनी भी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द न्यूबॉर्न ब्लड वॉल्यूम, न्यूबॉर्न में ब्लड वॉल्यूम कितना। सावित्री, थैंक यू सो मच दैट यू कैन सी न्यूबॉर्न ब्लड वॉल्यूम इज, ऑप्शन है 4 to 5 liter, 4 to 5 liter, 5 to 6 liter, देन 80 ml पर केजी और 100 ml पर केजी। ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना बच्चों, ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास से। बस ऑप्शन को पढ़ के आंसर देना बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने पूछा है न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न का मतलब बच्चों हम हमेशा पढ़ते हैं 0 to 7 days का बेबी है, 0 to 7 days का बेबी है, और उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट कीजिए, लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। सी लगातार लिखते जा रहे हैं, सी लगातार लिखते रहे, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं बच्चों, 4 to 5 liter, 4 to 5 liter जो है ये फीमेल अडल्ट का नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, फीमेल अडल्ट का। दूसरा बच्चों 5 to 6 liter, 5 to 6 liter जो पुट किया है, यू कैन सी ये एक मेल अडल्ट का नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, मेल अडल्ट का। क्वेश्चन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों, वही 100 ml पर केजी, याद रखना प्रीटर्म, याद रखना बच्चों प्रीटर्म न्यूबॉर्न में 100 ml पर केजी नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है। नशीम मानो, वेरी गुड इवनिंग डियर। रेखा, वेरी गुड इवनिंग। ये नॉर्मल प्रीटर्म का बच्चों, यदि प्रीटर्म का पूछेंगे तो याद रखना वॉल्यूम 100 ml पर केजी होगा, और आपसे टर्म का पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना होगा 80 ml, क्या आंसर लिखना होगा 80 ml। चार अलग अलग क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, चारों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन। आई होप आई विल ट्राई टू पुट गिव 50 MCQ इन एवरी क्लास। चार ऑप्शन है 4 to 5, 5 to 6, 80 ml, 100 ml, और चार ऑप्शन आपके सामने। फीमेल अडल्ट में पूछेंगे तो 4 to 5 liter, मेल अडल्ट में पूछेंगे 5 to 6 liter, और एक प्रीटर्म बेबी का पूछेंगे न्यूबॉर्न में तो 100 ml। और जो अपना क्वेश्चन था बच्चों, वो न्यूबॉर्न का मतलब होता टर्म बेबी, न्यूबॉर्न का मतलब होगा टर्म बेबी। ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन का लाइफ स्पान ऑफ RBC न्यूबॉर्न। देखिए न्यूबॉर्न में आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा है, मैं बात क्लियर कर देता हूं, आरबीसी की लाइफ स्पान बहुत वेरिएबल है, अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ते हैं। इन्होंने क्लियर पूछा है कि लाइफ स्पान ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ऑप्शन में 80 to 90 days, 35 to 50 days, और वीकेस से 35 to 42 days, और 120 days।
120 डेज. पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. कि आरबीसी का लाइफ स्पान न्यू बॉर्न अगेन बर्थ टू 0 to 7 डेज का बेबी जो है, बर्थ टू 7 डेज का जो बेबी है उसका लाइफ स्पान पूछा आरबीसी का, आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा है. फटाफट राइट आंसर पुट करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. शाबाश शाबाश शाबाश. मैंने ऑप्शन दिया है बदमाश बच्चों, ऑप्शन दिया है और ऑप्शन को देख के आंसर लिखने की आदत डालो आप. ऑप्शन दिया हुआ है 80 to 90, 120, 35 to 50, 35 to 42. क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आपने तो शताब्दी बना दिया बच्चों, शताब्दी बना दिया. सही आंसर ऑलमोस्ट बच्चों ने, सही आंसर ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है, ए पुट किया है. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, बहुत सही. यहां पर भी हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. देखिए 80 to 90, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर. यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पूछे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्री टर्म बेबी है, यदि आपसे पूछे कि प्री टर्म बेबी है और प्री टर्म बेबी में प्री टर्म न्यू बॉर्न है तो उसमें आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होगा, तो आपको आंसर लिखना होगा 35 to 50. आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, 35 to 50. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. यदि आपसे पूछे प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी में आरबीसी का लाइफ स्पान टर्म बेबी के कंपैरिजन कम होता है, टर्म बेबी के कंपैरिजन कम होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दूसरा 120 डेज, कभी कभी यहां लिखा होता है बच्चों 3 to 4 month, मंथ लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, मंथ लिखा होता है. और 120 डेज जो अडल्ट है, अडल्ट का जो आरबीसी है, अडल्ट का जो आरबीसी है उस आरबीसी की लाइफ स्पान जो है 120 डेज होता है, 120 डेज होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. देन 35 to 42 देख दीजिएगा. यदि आपका आरबीसी जो है, आरबीसी स्टोर है कहां पर, स्टोर है ब्लड बैंक में. यदि आपका आरबीसी ब्लड बैंक में स्टोर है बच्चों, तो आपके आरबीसी का जो लाइफ स्पान होगा वो 35 to 42 days होगा, 35 to 42 days होगा. दिस इज ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड बैंक में स्टोर है, तो ब्लड बैंक में आरबीसी को कितने दिन तक रख सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू विल आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो ब्लड बैंक में आरबीसी को आप 35 to 42 days तक ये रख सकते हैं. इवन बच्चों बता देता हूं, होल ब्लड आपसे कभी ऐसा भी पूछे, होल ब्लड पूछते हैं तो भी आपको आंसर यही लिखना है 35 to 42 days. होल ब्लड का भी पूछते हैं, होल ब्लड का जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूसी सब कुछ होगा, होल ब्लड का पूछे तो भी आपको यही आंसर लिखना है. इवन एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या आएगा. वॉस्ड आरबीसी, वॉस्ड आरबीसी, वॉस्ड आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पान 28 days होता है, 28 days होता है. वर्स्ट आरबीसी का मतलब किसी पेशेंट का सर्जरी हो रही है और सर्जरी होते समय जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, और एक्सेसिव जब ब्लड लॉस होता है उस ब्लड को कैरी किया जाता है, उसमें से आरबीसी को निकाला जाएगा, आरबीसी को वॉश किया जाएगा, देन रीस्टोर कर देते हैं. और वर्स्ट आरबीसी को रीयूज किया जा सकता है बच्चों, उसको आप लगभग 28 days ब्लड बैंक में रख सकते हैं. उसके लिए आप लगभग 28 days ब्लड बैंक में रख सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. गेट इट एवरीबॉडी, गेट इट एवरीबॉडी. शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया. तो इस तरीके से हम आरबीसी की लाइफ स्पान की बात करें वो 120 days. इवन मैं बता देता हूं आरबीसी का ब्रेकडाउन, हम लोग बॉन मैरो पढ़ते हैं, हम लोग लीवर पढ़ते हैं, हम लोग स्प्लीन पढ़ते हैं, ये अलग अलग वो जगह जहां पर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है. बच्चों एक बार लाइक जरूर करें, लगभग 1500+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीबॉडी, क्योंकि टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है और टेररिस्ट को जवाब देने का तरीका JINC आर्मी के पास है. लाइक करके रिप्लाई करें, लाइक इट एवरीबॉडी. शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया. डू एवरीबॉडी, डू एवरीबॉडी. लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें, लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें. और फटाफट शेयर कर दें, शेयर कर दें स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप, ताकि बहुत सारे बच्चों को इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिल सके. डू इट एवरीबॉडी, डू इट एवरीबॉडी. शाबाश शाबाश शाबाश. आई वॉन्ट टू सी हाउ वी विल इंक्रीज द शेयरिंग एंड इवन वी कैन से लाइकिंग. क्या बात है, क्या बात है. डू इट, डू इट. शाबाश 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 शाबाश. हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कोशिश करूंगा 5 to 7 MCQ बताने की, ताकि एक घंटे की क्लास में मिनिमम 50+ MCQ आप लर्न करें. बच्चों एक मंथ में 1500 MCQ होते हैं, 2 मंथ में 3000 होते हैं,
और अपनी यह जर्नी नॉर्सेट तक चलने वाली है। हम लगभग बेसिक एनक्लिक्स इमेज वीडियो बेस मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बस कंसिस्टेंस रहिएगा, सिलेक्शन तो होना है, सेलेक्ट तो होना ही है, इज नो एक्सक्यूज, बस आई वॉन्ट योर कंसिस्टेंसी। सबस 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 सबस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके फाइन ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, एक टर्म से कोलोनेचिया। कोलोनेचिया मींस क्या, मीनिंग पूछा है क्या, कोलोनेचिया मींस होता क्या, एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू आस्क। हियर यू कैन सी स्पून शेप नील, स्पून शेप नील। मैं बता देता हूं, कोलोनेचियो पेल्टिनोचिया जो है ये हमेशा सॉरी प्रेजेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में प्रेजेंट होता है। स्पून शेप नील लिखा बच्चों, वेरिएशन इन आरबीसी लिखा बच्चों, और वेरिएशन इन आरबीसी साइज और शेप दोनों मैंने लिखा यहां पर। देन ब्रिटल हेयर लिखा हुआ है, ब्रिटल हेयर लिखा हुआ है। तो यू शुड आइडेंटिफाई कि कोलोनेचिया और पेल्टिनेचिया, कोलोनेचिया और पेल्टिनेचिया ये दो टर्म्स हम क्लियरली पढ़ते हैं, और दोनों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट को होता है। आयरन डेफिशिएंसी, इट्स ओके अंजिता, इट्स ओके फाइन डियर, पुट द राइट आंसर। कोलोनेचिया मींस क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, व्हाट इट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्पून शेप, वेरिएशन इन आरबीसी शेप, वेरिएशन इज आरबीसी साइज। फटाफट आंसर पुट करेगा, आरबीसी का साइज जो है लगभग 7.5 माइक्रोन, माइक्रोन होगा बच्चों, 7.5 माइक्रोन होता है नॉर्मली। अजय सिंह लोधी राजपूत डोनेटिंग 20 rupees टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच लविंग अजय टू फॉर फंटास्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर लिखा है, दैट इज अ स्पून शेप। और याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस, डायरेक्टली दे आर पूछते हैं कि स्पून शेप नेल को कोलोनेचिया बोलते हैं, और कॉमनली विल आइडेंटिफाई पेशेंट सफर विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए मेगलोब्लास्टिक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है। ऑप्शन आयरन एंड फॉलिक एसिड बोथ, ऑप्शन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन आयरन एंड विटामिन सी, और ऑप्शन विटामिन B12 एंड विटामिन सी। सोच समझ करके आंसर दीजिएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए मेगलोब्लास्टिक किसकी डेफिशिएंसी होता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। मैं काफी हिंट देता हूं, विटामिन B12 का नाम है साइना कोबालामाइन, ये विटामिन B12 का दूसरा नाम है। और साइना कोबालामाइन की यदि किसी को डेफिशिएंसी हुआ, किसी को डेफिशिएंसी हुआ तो बच्चों परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। और याद रखना परनीशियस एनीमिया में रेड बिफी टंग पाई जाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये परनीशियस एनीमिया में फाइंड आउट होता है। और साइना कोबालामिन विटामिन B12 का दूसरा नाम है। और दूसरा विटामिन सी की डेफिशिएंसी, आपको बता दे तो स्कर्वी, दैट वी कैन से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो अभी आपके सामने दो ऑप्शन यहां पर, ए और बी, विच इज द राइट आंसर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपके दो ऑप्शन है, दो मिनट से फटाफट राइट आंसर पुट करें। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आंसर पुट करना ना भूले बच्चों। साबा, बहुत बढ़िया। थैंक यू संजीव कुमार, थैंक यू सो मच माय डियर। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, आई विल पुट द राइट आंसर, बिकॉज फॉलिक एसिड जो है मेनली रोल प्ले करता बच्चों, मेनली फॉलिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेगलोब्लास्टिक। ये CHO का फेवरेट MCQ है, ESIC और GMCH का फेवरेट MCQ है, कई बार पूछा गया MCQ है।
कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज विच टाइप ऑफ एनीमिया, तो आपको आंसर लिखना बच्चों मेगलोब्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। आई विल ट्राई टू इंडिकेट कि कौन सा क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों मैं हर उस एमसीक्यू तक जाने की कोशिश करूंगा जो आपको सक्सेस और सफल बनाने में मदद करे। मेरी कोशिश आपकी सफलता होगी बच्चों, आप लगातार भरोसा करें, मेहनत करें, जेएनसी परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए फीचर ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। देखिए ए फीचर ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया पूछा है। एप्लास्टिक एनीमिया बच्चों बोन मैरो डिसऑर्डर है। बोन मैरो डिसऑर्डर याद रखना, इट इज द बोन मैरो डिसऑर्डर। और मैं क्लियर बोल देता हूं, बोन मैरो में जो रेड बोन मैरो होता है, जो रेड बोन मैरो होता है, द रेड बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल। किसको प्रोड्यूस करता है बच्चों, स्टेम सेल को। स्टेम सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, टू प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, टू प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एप्लास्टिक एनीमिया ऐसे मतलब होता है ऑब्सेंस, दैट वी कैन से दैट कैन कॉज बोन मैरो डिसऑर्डर। और बोन मैरो डिसऑर्डर में क्या होगा, जो रेड बोन मैरो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम सेल का प्रोडक्शन के लिए। स्टेम सेल क्या बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और जब पेशेंट को बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाएगा तो डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग डिस्ट्रैक्टेड इन टू द ब्लड फॉर्मिंग सेल। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा, यहां लिखा टेकीकार्डिया, यहां लिखा टेकीकार्डिया, एडीमा, पेनसाइटोपिनिया और एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। शाबाश 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 गुड्डू, बहुत बढ़िया गुड्डू, बहुत शानदार पार्टिसिपेशन। अनुश्री, थैंक यू सो मच माय डियर। विच इज द राइट आंसर, एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछा आपसे, फटाफट आंसर पुट करिएगा। वी क्रॉस्ड 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चार ऑप्शन आपके सामने, ज्यादातर बच्चों ने पेनसाइटोपिनिया लिखा है, और पेनसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज आरबीसी, डिक्रीज आरबीसी, देन डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, देन डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज प्लेटलेट। और जब तीनों ब्लड सेल डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन का नाम है पेनसाइटोपिनिया, उस कंडीशन का नाम है पेनसाइटोपिनिया। और इसका मीनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था। एक और बात क्लियर कर देता हूं बच्चों, जब भी हम किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, जब भी हम किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं, और कीमोथेरेपी ड्रग का दूसरा नाम है एंटी न्योप्लास्टिक, इसी ड्रग को हम एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं। और इस ड्रग का मेन काम है टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर को ट्रीट करने में यूज करते हैं। तो कीमोथेरेपी ड्रग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पेनसाइटोपिनिया, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनसाइटोपिनिया कीमोथेरेपी ड्रग का भी साइड इफेक्ट है। कीमोथेरेपी ऑल्सो नाउन एज एंटी न्योप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग। यदि वो ड्रग किसी पेशेंट को चल रहा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। द ड्रग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज, तो कीमोथेरेपी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है पेनसाइटोपिनिया। और यहां पर एप्लास्टिक एनीमिया का भी सही राइट आंसर पेनसाइटोपिनिया होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा। गेट इट एवरीबडी। एक और खास बात बच्चों, यहां पर देखिएगा, बोन मैरो जो है, बोन मैरो मैंने कहा था ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। और यदि यदि बोन मैरो में बोन मैरो डिजीज हो गया तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कौन करेगा, स्प्लीन करेगा, कौन करेगा, स्प्लीन करेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेव, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, graveyard of RBC, that is a spleen. The spleen bone marrow का production कब से, spleen blood cell का production कब करेगा, जब यदि patient को bone marrow disorder, for example aplastic anemia, याद रखना यदि patient को aplastic anemia है तो there is a bone marrow disorder, और यदि bone marrow disorder हो गया तो blood cell का production नहीं होगा, उस condition में blood cell का production करने का काम spleen करता बच्चों। और spleen को हम clear बोलते हैं graveyard of RBC, graveyard of RBC, get it everybody, okay fine, we'll move for the next MCQ, my loving future nursing officer, we can say next MCQ, dekhiyega bachcho, next question kya kehta hai, Christmas disease result from the deficiency of factor, ki kaun se factor ki kami se Christmas disease hota hai,
फैक्टर, देखिए फैक्टर 3, 8 लिखा हुआ है, दैट यू कैन से फैक्टर 11th लिखा हुआ है, वी कैन से फैक्टर 9th लिखा हुआ है, फैक्टर 12th लिखा हुआ है, फैक्टर 12th लिखा हुआ है, कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्रिस्टमस्ट डिजीज डेवलप होता, वी कैन से क्रिस्टमस्ट डिजीज डेवलप होता है, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा, वी कैन से क्रिस्टमस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर, कौन से फैक्टर की कमी से क्रिस्टमस डिजीज होता है, फटाफट आंसर पुट करिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है, आई विल ट्राई टू पुट द राइट आंसर, क्या बात है क्या बात है, यही आपकी प्रेजेंस, यही आपका पार्टिसिपेशन आपको जिंदगी में उस अंजाम तक पहुंचाएगा जो सपना आपने और आपके मां बाप ने देखा है, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच यू आर हंगर टू ज्वाइन क्लास, हाउ मच यू कंसंट्रेट टू अटेंड द क्लास, और ये जो आपका हार्डवर्क है बच्चों, ये हमेशा बेकार नहीं जाएगा, ये आपको जिंदगी में सफल व्यक्ति बनाने में मदद करेगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने 9th लिखा है, आप सभी का आंसर भी सही है बच्चों, देखिएगा एक टर्म्स पढ़ते हम लोग हीमोफीलिया, एक टर्म्स पढ़ते हम लोग हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और हीमोफीलिया जो टर्म्स है दैट वी कैन से मेनली हीमोफीलिया का मतलब होता है डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से होता है, इसका नाम है रॉयल, इसका नाम है बच्चों रॉयल डिजीज, कभी कभी हम इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं, रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो टाइप्स होता है, पहला होता है बच्चों हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, और तीसरा होता है हीमोफीलिया सी, 3 टाइप्स का हीमोफीलिया पढ़ते हैं। हीमोफीलिया जो ए होगा, ए होगा दैट्स अ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और 8th फैक्टर का नाम क्या होगा बच्चों, 8th फैक्टर का नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होता है, और याद रखना इसी टाइप 1 और टाइप ए, याद रखना टाइप 1 और टाइप ए का नाम है क्लासिकल हीमोफीलिया, क्लासिकल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम है, क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, इसी को क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, दैट वी कैन से टाइप 1 बोल सकते हैं, या ए बी सी वी कैन से टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीमोफीलिया बी जो है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9th की वजह से होता है, और इस फैक्टर का नाम है बच्चों क्रिसमस फैक्टर, क्या नाम है, क्रिसमस फैक्टर, इसीलिए इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने क्रिसमस डिजीज बोला। तो हीमोफीलिया बी जो है उसका डेफिशिएंसी किसके वजह से होता है, फैक्टर 9th, और फैक्टर 9th का नाम है क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, गेट इट एवरीबॉडी। और हीमोफीलिया सी जो है वो फैक्टर 11th की डेफिशिएंसी होता है, इसका नाम क्या होगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा, देखिए फैक्टर 11th की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, याद रखना मैंने यहां पर मेंशन किया है फैक्टर 11, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो रहा है, तो दैट वी कैन से हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी। तो टोटल आपके पास 3 टाइप है, एग्जाम एक तो आता है कि क्लासिकल हीमोफीलिया किसको बोलते हैं, तो टाइप फर्स्ट या ए जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से डेवलप होता है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। मैं क्लियर कर देता हूं, जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो 2 चीजें आपको याद रखना है, प्रेजेंट पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना है 12 फैक्टर, और टोटल पूछेंगे कि टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, तो आपको आंसर लिखना 13, बिकॉज 6 नंबर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो अब्सेंट होता है बच्चों, 6 नंबर का अब्सेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट 12 है, प्रेजेंट 12 है, और टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो आपको आंसर लिखना 13, अब्सेंट कौन सा होता पूछे तो आपको आंसर लिखना 6 नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डज नॉट फाइंड आउट, और इन सबका सोर्स है, इन सबका सोर्स कौन होगा, लीवर होगा, सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का सोर्स कौन होगा, लीवर, एक्सेप्ट 4th नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और 4th नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता कैल्शियम, और इसका सोर्स होता बच्चों बोन होगा और इंटेस्टाइन होगा, बोन होगा और इंटेस्टाइन होगा,
फोर्थ नंबर ब्लड क्लॉटिंग का सोर्स, बाकी सभी का सोर्स कौन है? लीवर। सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का सोर्स कौन होगा? लीवर होगा। याद रखना, लीवर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। चार नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है कैल्शियम, जिसका नाम है कैल्शियम, वो कहां से आता है? बोन से आता है, और वी कैन से इंटेस्टाइन से आता है, वी कैन से इंटेस्टाइन से आता है। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हीमोफीलिया। पेशेंट को हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया वाले पेशेंट को ट्रीट करना है, तो विच इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा? देखिएगा, चीलेशन थेरापी। चीलेशन थेरापी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देयर लिखा है स्टीरॉइड थेरापी, देयर लिखा है आयरन थेरापी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फाइटर। लविंग फाइटर बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ए बी सी डी मैंने पूछा है, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा है, हीमोफीलिया को ट्रीट करना होगा तो चारों में से हम किसको यूज करेंगे? माधुरी कुमारी। माधुरी बहुत इम्पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि जहां आप खुद रहकर 100% दे सकते हो तो वो बेटर है कि जोधपुर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस न हीमोफीलिया, चीलेशन थेरापी, स्टीरोइड थेरापी, आयरन थेरापी और वी कैन से रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। तो आपको चारों में से सही आंसर, ऑलमोस्ट फ्यूचर जनरेशन ने सही आंसर पुट किया। बहुत इजी है, क्योंकि हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही थी, तो हम क्लॉटिंग फैक्टर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे टू रिप्लेस डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, टू रिप्लेस डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत ही शानदार। और क्लॉटिंग फैक्टर को एडमिनिस्ट्रेशन करने में दो चीजें याद रखना, एक हम पढ़ते हैं फ्रोजन प्लाज्मा, एक हम पढ़ते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। ये दो थेरापी है, क्रायोप्रेसिपिटेट और FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसप्लांट या रिप्लेस द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ परप्यूरा एक्सेप्ट। सभी परप्यूरा के फीचर है, सभी परफ्यूरा के फीचर है एक्सेस। देखिए, परफ्यूरा का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। परफ्यूरा का मतलब होगा बच्चों प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, दैट कंडीशन वी कैन से परफ्यूरा। ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग है। ऑप्शन में पैटेची, ऑप्शन में काइमोसिस, ऑप्शन में हेमरॉइड्स, ऑप्शन में हाइपरपायरेक्सिया। फटाफट आंसर पुट करना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ परप्यूरा, पैटेचिया, काइमोसिस, हीमा आर्थ्रोसिस और हाइपरपायरेक्सिया। तीन को छोड़ के एक वो कौन सा जो है वो परप्यूरा का फीचर्स नहीं है, फटाफट आंसर पुट करना बच्चों, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, शानदार पार्टिसिपेशन फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, फंटास्टिक। ऑलमोस्ट बच्चों ने डी लिखा है और सही आंसर होगा। मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, या मैं क्लियर कर देता हूं, आपने ब्लीडिंग टाइम पढ़ा होगा, आपने नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम पढ़ा होगा बच्चों। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 minutes का होता है, 3 to 6 minutes का होता है। और यदि ये ब्लीडिंग टाइम जो है ये नॉर्मल से ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो दैट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या प्रेजेंट है, परप्यूरा प्रेजेंट है। अब कहानी समझ में आएगी कि परप्यूरा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या। देखिएगा, आपका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है बच्चों 3 to 6 minutes, मतलब एस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू टिल अरेस्ट। तो ब्लड वेसल से ब्लड निकला और अरेस्ट होने तक का टाइम 3 to 6 minutes है। और यदि पेशेंट का ब्लीडिंग जो है 6 minutes के बाद भी प्रेजेंट है, दैट कंडीशन वी कंसीडर परप्यूरा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंडीशन परप्यूरा होता है। वहीं बच्चों जब हम बात करें क्लॉटिंग, वहीं हम बात करें क्लॉटिंग टाइम, तो क्लॉटिंग टाइम जो नॉर्मली होता है दैट वी कैन से 3 to 8 minutes का होता है, 3 to 8 minutes का होता है। और यदि क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, तो याद रखना दैट विल बी इंडिकेट हीमोफीलिया। किसको इंडिकेट कर रहा है? हीमोफीलिया का इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं हुआ।
अगेन रिंकू रॉय डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच रिंकू। दो चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर की, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने यहाँ लिखा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 3 to 6 मिनट है, और ब्लीडिंग टाइम यदि 6 मिनट को क्रॉस कर गया तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और उसका मतलब उस पेशेंट को क्या प्रेजेंट है, परप्यूरा, क्या प्रेजेंट है, परप्यूरा। और क्लॉटिंग टाइम नॉर्मली 3 to 8 मिनट होता है, यदि ये प्रोलॉन्ग हो गया, नॉर्मल को क्रॉस कर गया, तो इंडिकेट करेगा पेशेंट को हीमोफीलिया, इंडिकेट करेगा पेशेंट को हीमोफीलिया। That get it everybody, ye a reality, these are the fantastic way to teach you ki exactly kis tarike ke question exam mein ban sakte hain, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बच्चों एक बार लाइक जरूर करें, लगभग जितने बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, इतने लेजी और आलसी मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते। यू आर द इफ रियली यू आर द जे आई एनसीएन, तो इतना लेजी पना मैंने कभी नहीं देखा होगा। डू इट एवरीबडी, सबस लाइक इट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लगातार मिलता रहना चाहिए। बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट देने का तरीका जेएनसी को लाइक करके दीजिएगा, इसलिए ये लूज पना, ये आलसीपन, ये फटीग, लेजीनेस आई डोंट लाइक, आई लाइक योर हार्ड वर्क बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड वर्क। तो इस तरीके का लेजीनेस नहीं होना चाहिए। लगभग 1700 बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं और लाइक कम कैसे, बदमाशी हो रही। प्रेम काजल डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच प्रेम टू डोनेट 40 रुपीज टू द जे आई एन सी पुअर स्टूडेंट फंड। देखिए माई लविंग फाइटर्स, आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां, सुन लीजिएगा ध्यान से कान खोल के। एक तो आप जे आई एन सी नर्सिंग यूट्यूब चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हो, नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है। आप बहुत मेहनती हो, बिल्कुल डाउट नहीं है। आप डेडिकेटेड हो, बिल्कुल डाउट नहीं है। आप सिंसियरली क्लास को वॉच कर रहे हो, बिल्कुल डाउट नहीं है। बट आई विल गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही आप क्लास को स्टार्ट करें, सबसे पहले थंब को दबाएं, दूसरा काम उस क्लास को सब जगह शेयर करें, तीसरा इंपॉर्टेंट काम अपने प्रोफाइल पिक्चर में जे आई एन सी का लोगो लगाएं, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस को मान सकूं, यू आर ट्रू जे आई एनसीएन। और ये करना है बच्चों आपको, मैं बार बार समझा रहा हूं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल शोइंग योर पोटेंशियलिटी टूवर्ड्स जे आई एनसी। यदि कहीं ना कहीं आपको डर है, आपको भय है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों नहीं लगो, लोगों लगाऊं तो इधर उधर मुंह नहीं मार पाऊंगा, और मुझे मुंह पारने वाले बच्चे पसंद ही नहीं है बेटा। क्योंकि यदि मैं आपके लिए जेन्युइन हार्डवर्क कर रहा हूं, तो मुझे आपकी भी ऑनेस्टी चाहिए, और आपकी ऑनेस्टी आप तभी पुट कर सकते हो जब लोगों आप बदल दो। और लोगों नहीं बदल रहे हो, इसका मतलब यह कि आपकी आदत हर थाली के लड्डू खाने की है, जो लास्ट में थाली खाली बचती, मतलब हर जगह भटकने की आदत है और लास्ट में सिलेक्शन से रह जाते हो। और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि एक ये रेगुलर सिस्टम है, 7:30 8:30 आपकी क्लास, और सिस्टम से हम क्लास को अटेंड करें। डेली आपको शेड्यूल बताता हूं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला, क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं। और मैंने कहा था नॉर्सेट से पहले नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, बट आपकी ईमानदारी पे यदि शक हो रहा ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको लोगो लगाना नहीं आया, तो किसी की मदद ले, किसी से पूछे। बट यदि आपके अंदर अभी भी कायरता भरी हुई है, खोट भरी हुई है, तो चले जाना बच्चों। आई लाइक ऑन स्टूडियस स्टूडेंट। इतना कहने के बावजूद भी यदि आप नहीं समझ पा रहे, तो मैं आगे समझाऊंगा नहीं। आई वॉन्ट योर रेगुलरिटी, आई डोंट वॉन्ट कि आप सभी जगह बहुत अच्छा पढ़ाते। एवरी टीचर दे आर डूइंग हार्ड वर्क, एवरी टीचर दे आर डूइंग मेकिंग बेस्ट, वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। बट आप कहीं भी पढ़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां पढ़े वह टिक जाए तो आपकी सफलता तय। और आपका मन यदि कंट्रोल में ही नहीं है, तो रास्ता लंबा तय करना पड़ेगा बच्चों आपको, और अपनी मुलाकातें बार बार होगी। और अभी भी यदि आपको ट्रस्ट नहीं है, और जहां ट्रस्ट नहीं हुआ, नहीं चाहिए बच्चों। घर में मां बाप पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो उस घर में नींद नहीं आएगी सुकून से। आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं होगा, तो आपको हमेशा डाउट रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। You should need to build your trust. If you are make, you build your trust, you get success. Simple way. If you build trust, all things will be happening positive. You get success in your life. That I want, again, JINC logo on your profile. Then you feel internally, you feel physically,
यू फील मेंटली एज अ जे आई एंशन, आपको मजा आने लगेगा, आपको वो चीजें आपको इतना इजी अंडरस्टैंड होने लगेगा कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक भरोसा नहीं होगा। और आई थिंक इससे बेहतर आपका भरोसा पाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे बेहतर सब कुछ छोड़ के 7:30 to 8:30 आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली ईमानदारी के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है कि नॉट सेट से पहले आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। बच्चों आसान नहीं है, कमिटमेंट करना और उस कमिटमेंट को इंप्लीमेंट करना टोटली डिफर। इफ आई कमिटेड यू विल कमिटेड योर सेल्फ, इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू यू शुड डू लिटिल बिट, इफ आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ फॉर यू यू विल डू लिटिल बिट। देखिए कितना मजा आता पढ़ने में, कितना मजा आता पढ़ाने में। ये एक बैच चल रहा बच्चों, ये YouTube पे लगातार क्लास का मतलब जेएनसी का ये थर्ड बैच है और इस बैच को भी मैं सक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। बट आई नीड योर हॉनेस्टी अगेन एंड अगेन, आई कैन से आई नीड योर हॉनेस्टी। टुमारो आई वॉन्ट टू सी अगेन हाउ मच गेट ट्रस्ट ऑन जेएनसी, कितना लोग भरोसा कर पाए। और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, मैं वो सब कुछ दूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, मैं वो सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आपको सफल व्यक्ति बना सकता है, मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा आप जिंदगी में एक सफल इंसान बन सके, और मैं वो सब कुछ दूंगा ताकि जिंदगी में आप कभी फेल ना हो। बट उसके लिए आपका भरोसा चाहिए बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं ट्रस्ट डेवलप करना नॉट ए इजी वे। इफ यू आर जेएनसी डूइंग फॉर लास्ट 6 months 500 क्लासेस आपको दिए ना बच्चों, यू जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। जस्ट वेट एंड वॉच, देखना नॉर्सेट में आप सब में से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होंगे जिन्होंने ईमानदारी दिखाई, जो ट्रस्ट पा चुका, जिसको लग रहा है कि यस जेएनसी ट्रस्ट है, ट्रस्ट फैक्ट्री है, तो ट्रस्ट करिएगा बच्चों। और अभी भी कंफ्यूजन है ना, लास्ट बार कह रहा हूं, प्लीज लीव कर लेना बेटा, लीव कर लेना, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, अभी भी भरोसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कैरी ऑन करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी, उससे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता बच्चों, जो लगातार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिमांड करें बच्चे, उन बच्चों के लिए मैंने क्लियरली 2 batch ओपन कर दिए हैं, 2 batch ऑलरेडी रन कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और आप एक सफल व्यक्ति या सेलेक्ट होना चाहते हो, कंप्लीट नर्सिंग पढ़ना चाहते हो विथ इमेज वीडियो और रैशनल के साथ, तो जेएनसी गुरुकुल और जेएनसी पाउटा दोनों ब्रांच में अवेलेबल बच्चों। यहां पर लिखा बच्चों मॉर्निंग बैच जो आपका जेएनसी गुरुकुल में लगेगा और जिसका टाइम सुबह 8 to 12 का होगा, इवनिंग बैच ओल्ड कैंपस में लगेगा, इसका टाइम 3 to 7 होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्थ सेट और ईएसआईसी स्पेशल बैच होगा, बैच 2 May को स्टार्ट होगा और 2 May वाले स्टार्ट होने वाले बैच की फीस 17,000 है। यदि आपका एडमिशन 10 मई तक होता है तो आपका फीस 17,000 रुपए और फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी। सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है, और फोन पे और पेटीएम करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल भेज देना है और तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन होके रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएंगे और आपकी सीट सिक्योर और सेफ हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है बच्चों जेएनसी बैचेस फुल रहते हैं, सीटें मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, पहले बुक करें और अपना पहला कंफर्मेशन के साथ जेएनसी परिवार से जुड़िएगा। वी कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू। ए नर्स इज अ कैरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ एक्यूट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL, which of the following is the most likely age range of the patient? Question क्या पूछा है? Question क्या पूछा है? My loving future nursing officer, a nurse is caring for a patient with the acute lymphoblastic leukemia. Which of the following is the most likely? मतलब ALL commonly कौन से एज ग्रुप को डेवलप होता है? यह क्वेश्चन पूछा बच्चों। ऑप्शन निकाला 3 to 15 साल के बच्चों को, 25 से 35 साल के बच्चों को, 45 से 55 साल के और 60 साल के बाद के लोगों को। कौन सी एज ग्रुप को ALL कॉमनली डेवलप होता है? ALL कॉमनली डेवलप होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया डेवलप इन चिल्ड्रन। अब आंसर लिखिएगा बच्चों, अब आंसर लिखिएगा,
शाबाश फंटास्टिक। ए लिखा है बिल्कुल 3 से 15 साल। मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, यहां आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चिल्ड्रन का मतलब कॉमनली ये 2 to 6 ईयर में कॉमन होता है बच्चों, 2 से 6 साल के बच्चों को 2 to 6 ईयर में फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो भी आपको ये लिखना बच्चों एक्यूट लिम्फोसाइटिक, तो ये आपको आंसर क्या लिखना है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक कभी कभी एज ग्रुप पूछते हैं और कभी कभी आपको पर्टिकुलर दिया होगा कि चिल्ड्रन को होगा अडल्ट को होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो फ्यूचर जनरेशन आपको क्लियर मेंशन करना है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन आपका एक्यूट लिम्फोसाइटिक और ल्यूकीमिया है, और 3 से 15 साल के बच्चों में भी कॉमनली ALL डेवलप होता है। या मैं मेंशन कर देता हूं, देखिए ल्यूकीमिया जो 4 टाइप्स का होता है, ल्यूकीमिया जो है 4 टाइप्स का होता है, और मैं चारों टाइप्स के ल्यूकीमिया को आपको यहां पर लिस्ट करता हूं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी ALL जो है ये कॉमनली यंगर देन 15 ईयर के बच्चों को होता है, पीक यहां पर मैंने पुट किया है 2 to 6 ईयर होता बच्चों, दैट इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक बोल सकते हैं, लिम्फोब्लास्टिक या लिम्फोसाइटिक, कभी कभी ऐसा भी आता है लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेगुलर MCQ। ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कॉमनली 2 to 6 ईयर की एज में, बट यंगर बच्चों को होता है, चिल्ड्रन में कॉमनली होता है। पहली चीज यहां पर क्लियर हो गई बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर ल्यूकीमिया की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन आपने पढ़ लिया, AML एक्यूट माइलोजीनस, देखिएगा दैट वी कैन से एक्यूट की बात कर रहे हैं, माइलोजीनस ल्यूकीमिया। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, AML जो है ये 15 to 39 ईयर को कॉमनली फाइंड आउट होता, 15 से 39 साल को, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, मतलब ये ल्यूकीमिया का मोस्ट कॉमन है, ये ल्यूकीमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है। क्वेश्चन अलग है या क्वेश्चन अलग है, बच्चों में मोस्ट कॉमन ALL, बच्चों को मोस्ट कॉमन ALL था, और यहां पर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया पूछेंगे, AML लिखना बच्चों, AML लिखना। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच डियर। तो Even आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं CLL के बारे में, WBC काउंट जो है एलिवेट होता है बच्चों 20,000 से 1,00,000 सेल पर mm क्यूब, 1,00,000 सेल पर mm क्यूब तक बढ़ जाता है, दैट वी कैन से क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, और ये आफ्टर 50 ईयर होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन इन अडल्ट, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन, अडल्ट में मोस्ट कॉमन, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन, अडल्ट में मोस्ट कॉमन, दोनों डिफर है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया ये भी मैंने आपको पुट किया, मोस्ट कॉमन टाइप को भी पुट किया बच्चों। देन CML क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ये एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना एल्डरली का मतलब मोर देन 65 ईयर ऑफ एज, 65 साल के बाद की एज ग्रुप को हम CML बोलते हैं, हम CML वाले पेशेंट में डेवलप गए क्योंकि ये एल्डरली है। आई होप माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू ऑल द MCQ, मेरी कोशिश एक MCQ से 10 क्वेश्चन आपको पता चले, तो इसलिए कम टाइम में ज्यादा हम लर्न कर पाए, ताकि 1 आवर की जो आपकी डेली की स्टडी है ये बहुत कुछ आपको सिखा के जाए बच्चों। ओके फाइन, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी CML की बात करें तो कॉमनली कौन सी कीमोथेरेपी ड्रग यूज करते हैं, तो बाई बस सल्फेक्स लिखना बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है कि विच इज द कीमोथेरेपी ड्रग विल यूज CML को ट्रीट करने में कौन से यूज करते हैं, तो दैट यू कैन से बस सल्फेक्स, ये कॉमनली कीमोथेरेपी एजेंट हम यूज करते हैं बच्चों, और इसका कॉज होता है हाइपर यूरिसीमिया। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चों, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन अ फीटल लाइफ, देखना इरिथ्रोपोइसिस का फॉर्म मतलब होगा बच्चों प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, दैट प्रोसेस वी कैन से इरिथ्रोपोइसिस।
That process we can say erythropoiesis. अब इन्होंने बोला कि बच्चा जब मदर के यूट्रस में होता है तो फीटल लाइफ में वो कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी का फॉर्मेशन करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ऑप्शन आपके सामने लीवर, देन लॉन्ग बोन, देन शॉर्ट बोन, देन स्प्लीन. चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन. कि जब फीटल लाइफ में फीटस का ग्रोथ हो रहा होगा उस समय आरबीसी का प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गन करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है. ये क्वेश्चन आपको पूछा है विच इज द ऑर्गन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस आरबीसी ड्यूरिंग फीटल लाइफ. ड्यूरिंग फीटल लाइफ यॉर्क सेक वाले बच्चे, यहां पर यॉर्क सेक नहीं है, यॉर्क सेक नहीं है. रटा रटाए आंसर देने की आदत सुधार लो, रटा रटाए आंसर देने की आदत सुधार लो, वरना धोखा खाओगे, फिर फेल होंगे बच्चे आप. देखिए यहां पर कहीं भी मैंने यॉर्क सेक नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है. जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो यॉर्क सेक याद आएगा. और क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन फीटल लाइफ लीवर, बोन, शॉर्ट बोन, स्प्लीन. चार ऑप्शन है. अब आप आंसर पुट करिएगा यस That they are putting liver. देखिए अनीता गलत आंसर, यॉर्क सेक नहीं लिखा हुआ है, यॉर्क सेल कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है. मैं बताऊंगा आपको यॉर्क सेक कौन से टाइम तक प्रोड्यूस करता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा ताकि आपका ये रटने की आदत खत्म हो जाए. यहां पर बच्चों लीवर से ही होगा, लीवर से ही होगा. अब देखिएगा, अब देखिएगा साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. In embryonic life, liver is the main site for RBC production. आपको अच्छे से पता है embryonic life 3 to 8 week का होता है बच्चों. ज्यादातर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं 3 to 8 week को हम embryonic life consider करते हैं, but sometime it can be 12. Sometime it can be 12, my loving future nursing officer. अब देखना यहाँ पर मैंने clear mention किया fetal life. अब fetal life को हम divide करेंगे, fetal life को हम divide करेंगे. यहाँ ध्यान से देखना मनोज, ध्यान से देखना बच्चों. 0 to 3 months का यदि फीटल लाइफ है तो मेसेनकाइमल सेल ऑफ यॉर्क सैक मेसोडर्म्स का बना होता है. यहां पर 0 to 3 months ऑफ फीटल लाइफ तक यॉर्क सैक रिस्पॉन्सिबल होगा. बदमाश बच्चों मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया. आप मुझे पता था आप रट के आंसर लिखोगे, यॉर्क सैक पॉकेट में डाल के घूमते बदमाश. 0 to 3 months मेसेनकाइमल सेल, और ये किसका बना होता है, मेसोडर्म का. यहां पर यॉर्क सैक राइट होगा, यहां पर यॉर्क सैक राइट होगा. बट जैसे ही हम लोग 3 to 6 months की फीटल लाइफ में जाएंगे तो लीवर और स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है बदमाश, लीवर और स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है. और 6 to 9 months में जाएंगे तो लॉन्ग बोन रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉन्ग बोन रिस्पॉन्सिबल होगा. और यदि आपको ऑर्गन पूछे तो आपको लीवर लिखना है. और अलग अलग तीन कैटेगरी यहां पर देखना पड़ता, अलग अलग तीन कैटेगरी. 0 to 3 months में मेसेनकाइमल सेल और यॉर्क सैक, 3 to 6 months में लीवर और स्प्लीन, 6 to 9 months में लॉन्ग बोन. और ये 9 months 7 days की फीटल लाइफ जो है अलग अलग जगह से आरबीसी का प्रोडक्शन करता. थैंक यू देवेश ठिकन, थैंक यू सो मच, गेट इट एवरीबडी. तो इस तरीके से आपको याद करना, ना कि एक यॉर्क सैक को पकड़ के बैठ जाओ कि नदी के किनारे बैठे रहो, कभी तो लहर आएगी, ऐसे लहर नहीं आएगी बदमाश बच्चों. आपको सीखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा राइट आंसर क्या देखना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. अब आप फीटल लाइफ से जैसी दुनिया में आते हैं, बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो आपने देखना बिलो 6 ईयर तक जो है रेड बोन मेरो सभी बोन से सिक्रीट होता है. 6 साल से कम की उम्र में क्या बात है पूर्णिमा सिंह, थैंक यू. 6 साल से कम की उम्र में रेड बोन मेरो, और 6 to 20 साल की उम्र में लॉन्ग बोन्स में टीबिया और फिबुला ज्यादा रोल प्ले करता है. और अपनी उम्र बच्चों आफ्टर 20 ईयर है, और आफ्टर 20 ईयर ऑल मेम्ब्रेनियस बोन जिसमें लिखा वर्टिब्रा पेल्विस स्टर्नम. और आफ्टर 20 ईयर जो है स्टर्नम, जो बच्चों ध्यान रखना स्टर्नम जो है ये मैक्सिमम आरबीसी का प्रोडक्शन करती है अडल्ट में, अडल्ट में स्टर्नम जो है मैक्सिमम आरबीसी का प्रोडक्शन करती है. इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे. क्लियरली यू कैन सी एज के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि कौन सी एज में कौन सी बोन या कौन सा ऑर्गन आरबीसी का प्रोडक्शन करता है. अडल्ट को जब भी पूछे तो आपको लिखना स्टर्नम, ये ही बोन मेरो एस्पिरेशन की साइट भी है. यहां से बोन मेरो भी एस्पिरेट कर सकते हैं, यहां से बोन मेरो एस्पिरेट कर सकते हैं बच्चों. तो यहां पर साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस आपको अलग अलग मिला. ओके फाइन. और ड्यूरिंग, मैंने कहा था ड्यूरिंग डिजीज आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो स्प्लीन करता है. कौन करता है, स्प्लीन. जब भी कोई पेशेंट को डिजीज डेवलप होती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो स्प्लीन से होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप इनकंपेटिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इनकंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम कैन बी टू द मदर इज डैश एंड हर फीटस, मतलब ये आरएच इनकंपेटिबिलिटी, आरएच इनकंपेटिबिलिटी जो है वो डेवलप हुआ तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा। दो ऑप्शन आपके सामने, दो ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी। ऑप्शन लिखा आरएच पॉजिटिव मदर होगी, आरएच नेगेटिव फीटस होगा, सॉरी आरएच पॉजिटिव मदर, आरएच पॉजिटिव फीटस, आरएच पॉजिटिव मदर, आरएच नेगेटिव फीटस, आरएच नेगेटिव मदर, आरएच पॉजिटिव फीटस, आरएच नेगेटिव, दोनों आरएच नेगेटिव। आप मुझे ये बताएं मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आरएच इनकॉम्पेक्टिबिलिटी डेवलप हो सकता है, तो आरएच इनकॉम्पेक्टिबिलिटी डेवलप हो सकता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर को फाइंड आउट करना है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर को फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, तब आरएच इनकॉम्पेक्टिबिलिटी डेवलप होता है। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, हर वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगा। क्या बात है, सी कुछ बच्चे अभी भी बी पे अटके, कुछ बच्चे अभी भी बी पे अटके, कुछ बच्चों ने सी तक दौड़ लगा ली है, दौड़ अभी भी बाकी है, दौड़ अभी भी बाकी है, ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों ने सी लिखा है। डेफिनेटली आरएच नेगेटिव मदर टू कंसीव आरएच पॉजिटिव बेबी, फर्स्ट बेबी एस्केपिंग फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन, व्हेन शी अगेन कंसीव, अगेन सी कंसीव आरएच पॉजिटिव बेबी, तो सेकेंड बेबी को रिस्क होगा फीटल, या वी कैसे हाइड्रोप्स फेटलिस बोल सकते हो, कार्निक ट्रस बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं और आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा और बेबी की डेथ हो सकती है यदि सेकंड टाइम सेम कंडीशन कॉज होती है। तो ये राइट आंसर बच्चों आपका सी है, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हु इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या बात है, आपके ब्लड सेल के बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम किसको कंसिडर करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम किसको कंसिडर करते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। हु Who is the respiratory pigment बच्चों, ऑप्शन में WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हम किसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब ये हो गया जो CO2 और NO2 को कैरी करता है उसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। Who are the responsible to carry, who are the responsible to carry, क्या बात है, क्या बात है, who are the responsible to carry O2 and CO2, O2 and CO2, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर हीमोग्लोबिन लिखा है, कुछ तो डब्ल्यूबीसी पे अटके, कुछ प्लेटलेट पे अटके। अरे बदमाश बच्चों, जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो एचबी बनेगा और एचबी आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी सीओ टू और ओ टू, हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ओ टू एंड सीओ टू, तो राइट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ओ टू कैरी करता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ना भूलें कि 1 ग्राम एचबी कितना हिम कितना ओ2 कैरी करता है, कितना ओ2 कैरी करता है, तो आपको आंसर लिखना है 1.34 ml। मैं बता देता हूं, यदि किसी पेशेंट को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, किसी पेशेंट को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं बच्चों, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय वन यूनिट हमने होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है जो 350 ml का होता है, जो 350 ml का होता है, या फिर 1 unit आरबीसी ट्रांसफर किया है किसी को जो 250 ml होगा, 250 ml होगा, बोथ विल बी कैन इंक्रीज 1 gram हीमोग्लोबिन, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। यदि किसी पर्सन को 1 unit होल ब्लड आपने एडमिनिस्टर किया है, 1 unit आरबीसी दिया है, 1 unit होल ब्लड 350 ml का होता है, 1 unit आरबीसी 250 ml का होता है, दोनों यदि किसी को भी एक एक या ये ट्रांसफर किया हो तो 1 unit की वजह से 1 gram एचबी उस पेशेंट का बढ़ेगा, 1 gram एचबी गोइंग टू बी राइजेज अब। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, 1 unit आरबीसी कितना एचबी बढ़ाता है,
एक यूनिट होल ब्लड कितना एचबी बढ़ाता है, तो इस तरीके से आप आंसर पुट कर सकते हैं बच्चों। और क्लियर लिखा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 MLO2। वन मोर थिंग्स, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें तो बच्चों का कई बार क्वेश्चन आता है मेल अडल्ट में 14 से 16.5 होता है, फीमेल में 12 से 15 होता है। और याद रखना न्यू बॉर्न का आपसे पूछे कि न्यू बॉर्न बच्चा है उसका एचबी लेवल क्या होगा, तो 8 to 20 ग्राम per dL लिखना। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, न्यू बॉर्न का हीमोग्लोबिन पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको क्लियर मेंशन करना होगा 8 to 20 ग्राम per ml per deciliter। गेट इट, ग्राम पर एमएल पर डेसीलीटर, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइज ऑफ आरबीसी लार्ज इमेच्योर एंड एचबी कंटेंट कलर इज आर आल्सो रिड्यूस, ये कौन सा टाइप्स ऑफ एनीमिया होगा, ये कौन सा टाइप्स ऑफ एनीमिया होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन लिखा है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, आपका रो रेड ब्लड सेल है बच्चों आरबीसी, आरबीसी का नॉर्मल जो साइज है वो 7.5 माइक्रोन है, 7.5 माइक्रोन होता है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, यदि आरबीसी का साइज जो है इंक्रीज है, यदि आरबीसी का साइज इंक्रीज है तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइट बच्चों। यदि आरबीसी का साइज जो है वो नॉर्मल है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मोसाइट। क्या बोलते हैं? नॉर्मोसाइट। और यदि आरबीसी का साइज जो है डिक्रीज होगा तो वी कैन से माइक्रोसाइट। क्या बोलते बच्चों? माइक्रोसाइट। याद रखना जब भी आपको आरबीसी के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब भी आपके आरबीसी के साइज बड़ा होगा मैक्रोसाइटिक कहलाएगा, नॉर्मल होगा नॉर्मोसाइटिक कहलाएगा, कम होगा माइक्रोसाइटिक। वही यदि हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का काउंट जब भी इंक्रीज होगा दैट वी कैन से हाइपरक्रोमिक। क्या बोलते बच्चों? हाइपरक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक। और वही यदि हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल होगा तो आंसर लिखना है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक। और वही हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो दैट वी कैन से हाइपोक्रोमिक बच्चों, हाइपोक्रोमिक। ये क्रोमिक वर्ड जो है याद रखना, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है क्रोमिक वर्ड, और साइटिक वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है आरबीसी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आरबीसी को। इस तरीके से आपको क्लियरली मेंशन करना होगा साइज ऑफ आरबीसी, मैंने यहां पर मेंशन किया हो बच्चों, आपको आंसर पुट करना होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर पुट करना ना भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। साइज ऑफ आरबीसी लार्ज है, लार्ज का मतलब बड़ा है, मैक्रोसाइटिक, लार्ज का मतलब बड़ा है बच्चों मैक्रोसाइटिक। और वही देखा एचबी कंटेंट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ तो हाइपर होगा क्या, हाइपो, सॉरी क्या होगा, हाइपो होगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर लविंग फाइटर्स। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त पार्टिसिपेशन, बहुत ही जबरदस्त पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, द प्राइमरी पर्पज ऑफ शीलिंग टेस्ट, हम यहां शीलिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, और शीलिंग टेस्ट हमेशा किसमें करते हैं बच्चों? परनीशियस एनीमिया में। किसमें करते हैं? परनीशियस एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन है शीलिंग टेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन यह पूछा है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ शीलिंग टेस्ट इज टू मेजर द क्लाइंट्स एबिलिटी, क्लाइंट्स एबिलिटी स्टोर विटामिन B12, डाइजेस्ट विटामिन B12, एब्जॉर्ब विटामिन B12, प्रोड्यूस विटामिन B12। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रिकी बच्चों, जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन ट्रिकी है। प्राइमरी पर्पज पूछा है शीलिंग टेस्ट का, क्या पर्पज है, प्राइमरी पर्पज पूछा है शीलिंग टेस्ट का। मैं क्लियर मेंशन करता हूं, शीलिंग टेस्ट परनीशियस एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन है। दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ शीलिंग टेस्ट, टू मेजर एबिलिटी, किसकी एबिलिटी मेजर करेगा, किसकी एबिलिटी मेजर करेगा, सोच के आंसर देना। स्टोर, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, प्रोडक्शन। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही पुट किया बच्चों, बिल्कुल। विटामिन B12 की एब्जॉर्बिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए शीलिंग टेस्ट करते हैं। शीलिंग टेस्ट परनीशियस एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन है। किसका इन्वेस्टिगेशन बच्चों? परनीशियस एनीमिया का इन्वेस्टिगेशन। फाइनली जो बच्चे JNC के नोट्स को लेना चाहते हैं, JNC की बुकलेट परचेज करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए JNC जोधपुर टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक सेट, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, आर्टिकल्स, इमेज, थ्योरी, एनक्लेक्स, वो सब कुछ दिया है जो आप घर बैठे पढ़ सकते हो। बस इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको JNC की वेबसाइट पे जाना होगा, www.jinc-jodhpur.com, और इस बुक्स का प्राइस है 1599, और ये बुक्स कंप्लीट इंग्लिश में होगा,
थ्योरी नोट्स होगा, थ्योरी नोट्स होगा, आप इंडिया और वर्ल्ड में जहां भी बैठे हैं ये बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगी और आप जेएनसी परिवार का हिस्सा बन के पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये आज की जर्नी थी बच्चों, कोशिश की कि कुछ नया, कुछ ट्रिकी, कुछ रैशनल वाले क्वेश्चन आपको दूं, और ये मेरी कोशिश आप लोगों के लिए जारी रहेगी। आप अपनी ईमानदारी को दिखाने की कोई कसर मत छोड़िएगा बच्चों। मैं दिल से, दिमाग से, शरीर से आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। बस आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, जिंदगी में सफल बनने के लिए आगे बढ़ते रहें। मेरी कोशिश, जेएनसी परिवार की कोशिश जारी रहेगी। अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रेस्पेक्ट करिएगा, ना कभी किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई करनी है, ना बड़ी बड़ी फेंकनी है, हो सके तो किसी का भला करना बच्चों, क्योंकि जिंदगी में अच्छा इंसान बनने से पहले खुद को अच्छाई डेवलप करनी पड़ेगी, देन यू मेक योर सेल्फ अच्छा। और सबसे खास बात, माँ बाप का आशीर्वाद देना ना भूलें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न अपने माँ बाप होते हैं, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर रखिएगा, जिंदगी में इसी तरीके से आगे बढ़िएगा, यही यही जिंदगी जो आपको एक उस मुकाम पे लेके जाएगी जो सपना हर कोई जानना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। बस अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक शाम को 7:30 बजे एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।